नमस्कार, इन वीडियोज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। तो प्रदेश के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से ज्यादा जनता तक लाभ पहुंचाया जाए और प्रदेश की अमूमन जनता को लाभ मिला भी है। तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार को भी जमकर घेरा। आज साझा विधानसभा के धमधा ब्लॉक मुख्यालय में किसानों का बड़ा सम्मेलन और साथ ही वहाँ जो कृषि उपज मंडी के द्वारा बनाया गया हमारे कृषि मंत्री के मार्गदर्शन में सब्जी और फल मंडी, इसका भी लोकार्पण होगा। तो जो हमारे खासकर धमधा साझा और दुर्ग के आसपास बड़ी संख्या में लोग फल और सब्जी का उत्पादन करते हैं, उनको एक बड़ा मार्केट मिलेगा और इससे किसानों को बड़ा। सीधी बात ये है कि राहुल जी कहते हैं कि मंडी किसान के घर के नज़दीक होना चाहिए, उसके गांव के नज़दीक होना चाहिए, और हमारा भी प्रयास ये है कि वही सब्जी या फल दूर रायपुर और दूसरे जगह जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का भी और दूसरे भी रेट का भी, इसमें बहुत अंतर आता है। तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके उत्पादन का लाभ मिले, ये सोच कांग्रेस की रही है और इसको बढ़ाते हुए चाहे फल उद्यान की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, चाहे लघु उपज की बात हो, चाहे किसानों की, हमारी सरकार बनने के बाद 2400 हमारे धान खरीदी केंद्र हमने खोला, सोसाइटी जो 1300 था उसे बढ़ा के 2000 कर दिया, और इसकी यही कारण है कि 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के बाद कहीं ना किसानों को धान बेचने के लिए परेशानी हुई, ना पेमेंट भुगतान की परेशानी हुई। तो किसानों को और उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सरकार दे, ये हमारा प्रयास। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, देखिए जैसे जैसे समर्थन मूल्य वृद्धि हो रही है वैसे वैसे किसानों को भी आय में वृद्धि, 9000 रुपये प्रति एकड़ हमने किया है। अब समर्थन मूल्य जितना बढ़ते जाए, हमने तो 2500 के केवल वादा किया था, अब इस साल तो धान उत्पादकों को 2540 रुपये मिलने वाला है, और यदि जून जुलाई में जब समर्थन मूल्य घोषित होगा धान का और वो कहीं 100 रुपये बढ़ जाता है तो फिर उसकी राशि और बढ़ जाएगी। तो हमारे किसानों को जो हमारे अन्नदाता हैं उसको हमको समृद्ध करना है। और दूसरी बात यह है कि जब इतना उत्पादन अधिक हो रहा है और हमारे आवश्यकता से अधिक हो रहा है, तो जितने राज्य में जो चावल हमको ज़रूरत है और FCI में जितना जमा करते हैं उसके बाद ही बचता है, इसलिए भारत सरकार से हमने निवेदन किया कि हमको इथेनॉल के धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए और धान का इथेनॉल का रेट भी तय किया जाए। तो उसके माध्यम से ये जो उस दिन गडकरी जी ने जो कहा ना, अन्नदाता का किसान हमारे अन्नदाता हैं, अब ऊर्जादाता बनेंगे। तो हम तो पिछले 3.25 साल से इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद बवाल मचा हुआ है और कई जगहों में तनाव की स्थिति है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहांगीरपुरी में हुई घटना को लेकर बड़ी बात कही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में पहुंचे, वहां पर उन्होंने सब्जी मंडी का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया की तरफ से किए गए सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इन दिनों जितने भी इस प्रकार की हिंसा हो रही है, खासकर रामनवमी और इस प्रकार हिंसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भगवान राम के नाम से हम कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, लेकिन उसी दिन हिंसा होती है, उस दिन मारपीट होती है, उस दिन गोलियां चलती है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। वहाँ की राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों मौन बैठे हैं। सीएम ने आगे कहा कि जिस प्रकार की घटना घटी है उसे कोई भी उचित नहीं मानेगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्गवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने जिला उद्योग और व्यापार केंद्र के नए भवन के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया और इसी कड़ी में सीएम बघेल ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और ट्रांजिट हॉस्टल की भी लोकार्पण किया।
शहर में इन दिनों हॉस्टलों के लोकार्पण से यहां कामकाजी महिलाओं और सरकारी अफसरों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान प्रयास आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाया। मुख्यमंत्री ने टेनिस कोर्ट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने टेनिस खेलकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, शिव डहरिया समेत विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो वो लोग फिर कहते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं हुआ, है ना। इतने रुपए हमको बस खरीदना हो, खरीदी करना था, इतने में इंप्लीमेंट होता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सामना करते हुए सतना के जवान शंकर प्रसाद पटेल शहीद हो गए। शहीद जवान को नमन करते हुए सीएम शिवराज चौहान ने कहा कि मैं अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया। जम्मू में दो आतंकवादियों को मार गिराया और फिर लड़ते लड़ते अपने कर्तव्य की बलिदेव पर भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अर्पित करता हूं। उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया। जम्मू में आतंकवादियों से लड़ते हुए सुजवामा सेक्टर में दो आतंकवादियों को मार गिराया और फिर लड़ते लड़ते अपने कर्तव्य की बलवेदी पर भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं। उनका परिवार जिसमें पत्नी और दो पुत्र है, पिताजी हैं, माताजी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। परिवार के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। शंकर प्रसाद पटेल केवल एक परिवार के बेटे नहीं है, वो पूरे देश के बेटे हैं, पूरे प्रदेश के बेटे हैं। प्रदेश की और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। इस असाधारण शौर्य के लिए, देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए, इसकी कोई कीमत वास्तव में नहीं होती। परिवार के सदस्यों से चर्चा करके परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा, जैसा परिवार चाहेगा, उनकी पत्नी या परिवार की जो इच्छा होगी, उनको उनकी प्रतिमा उपयुक्त स्थान पर चर्चा करके लगाई जाएगी और किसी संस्थान का नाम भी उनके नाम पर किया जाएगा। आज उनके अंतिम संस्कार में राज्य शासन की ओर से मेरे प्रतिनिधि के रूप में रामखिलावन पटेल हमारे मंत्री जी भाग लेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित नमन करता हूं। जो शहीद होते हैं वो मरते नहीं हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार को लेकर अहम जानकारी दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम रोजगार दिवस का आयोजन करते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है। हमारा टारगेट होता है कि कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं और इसके लिए लोन भी दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे और हमारा टारगेट होता है कि कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के अवसर हम उपलब्ध कराएं। मुझे खुशी है कि जो पहले 3 रोजगार दिवस हुए हैं, 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को, युवाओं को स्वरोजगार का लोन मिला था, 16 फरवरी को 5,04,000 को, 31 मार्च को 3,33,000 नौजवानों को स्वरोजगार का लोन मिला था। अब ये रोजगार दिवस हर महीने हम आयोजित करेंगे और कम से कम 2 लाख नौजवानों को
हर माह रोजगार दिया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जी की योजनाएं प्लस राज्य सरकार की योजनाएं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे, जहां मंत्री विश्वास सारंग एक कार्यक्रम में शामिल हुए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां सुपर स्पेशलिटी सहित कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण भी किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मरीजों से स्वास्थ्य लाभ को लेकर चर्चा भी की। अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में मरीजों और उनके परिजनों से जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा मंत्री ने नई सौगात देते हुए न्यूरो विभाग में 100 बिस्तर बढ़ाए जाने की घोषणा की। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर विदिशा पहुंची, जहां उन्होंने बंटी नगर में तिवारी परिवार से मुलाकात की और पिछले दिनों हुई घटना पर शोक जताया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कई मुद्दों पर बातचीत की। वहीं सांसद ठाकुर ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में गीता और रामचरितमानस को शामिल करने पर खुशी जताई। वहीं शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने पूर्व मंत्री उमा भारती के सुर में सुर मिलाया। इसके अलावा विदिशा के मंदिर का ताला खोलने को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत करने का भी भरोसा दिया। वहीं हिंसा को लेकर भी प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय इन दिनों अपने डांस के कारण सुर्खियों में हैं। उनके डांस का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इंदौर में एक शादी समारोह में विधायक आकाश अपनी पत्नी के साथ डांस करते नजर आए। इतना ही नहीं, विधायक के पिता और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इसी समारोह में गाना गाते नजर आए। आकाश विजयवर्गीय ने पत्नी के साथ हिंदी गाने पर जमकर डांस किया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी पत्नी संग पल पल दिल के पास गाना गाया। प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन द्वारा जारी महीना मार्च 2022 की ग्रेडिंग में परिवहन विभाग ने हैट्रिक लगाई है। सीएम हेल्पलाइन द्वारा जारी माह मार्च 2022 की ग्रेडिंग में परिवहन विभाग ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार परिवहन विभाग ने लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। परिवहन आयुक्त मुकेश उज्जैन ने विभाग के इस उपलब्धि के लिए विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की हृदय से प्रशंसा की। परिवहन आयुक्त मुकेश उज्जैन द्वारा आवश्यकतानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठकें आयोजित कर समस्त परिवहन अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का त्वरित और संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने हेतु निर्देश दिए गए। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में आगामी त्योहार और खरगोन जैसी घटनाओं को लेकर पुलिस की ओर से तैयारी की जा रही है।
बलवा के दौरान पुलिस को दंगाइयों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की रिहर्सल दी जा रही थी, जिसमें टियर गैस के गोले फेंकने के दौरान दंगाई पक्ष के ग्रुप में शामिल गौरमी थाना प्रभारी सुरेश शर्मा झुलस गए, तो वहीं घायल गौरमी थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्योंकि फील्ड में भी इसी प्रकार का रहता है, तो कभी पत्थर चलते हैं, कभी टीयर चलती है, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जो सिविलियंस हैं या जो पुलिस वाले हैं उनको भी कई बार ऐसी चोट लगती है। तो उसी कार्रवाई में जो थाना प्रभारी है उनको थोड़ा सा पैर में एक लगा है, हालांकि ठीक है, ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है। तो आपको बता दें कि पुलिस विभाग द्वारा भिंड से खबर जहां पर मॉक ड्रिल की जा रही थी, तमाम जो हिंसाएं हो रही है उससे बचने के लिए ये मॉक ड्रिल थी, जिसमें एक पुलिस जवान घायल हो गया है। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के पालन में जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बलवा से निपटने की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल की। इसमें बलवा रोधी उपकरणों का भी पूरा इस्तेमाल किया गया। बलवा होने की स्थिति में पुलिसकर्मी सुरक्षित रहते हुए किस तरीके से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, इस बात को लेकर सभी को विस्तृत जानकारी दी गई। सभी थानों में रखी दंगा रोधी वर्दी, हेलमेट और गार्ड जैसी तमाम चीजों को दुरुस्त रखने के निर्देश भी जिले के सभी थाना प्रभारियों को दिए गए। इसके बाद शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया और शहरवासियों को संदेश दिया गया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिले की पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है। फ्लैग मार्च और मॉक ड्रिल किया गया है, इसके क्या होता? बेसिकली ये कानून व्यवस्था की ड्यूटियों के लिए एक तैयारी करके रखना है, प्रिपरेशन की मॉक ड्रिल है। इसके लिए हम पुलिस मुख्यालय से आदरणीय DGP सर और हमारे IG सर के द्वारा निर्देश मिले थे कि आज सभी थानों में बलवा परेड की सामग्री, बलवा जो करते हैं ड्रिल जो हम पहनते हैं उसके लिए जो भी सामान पहनते हैं वो सारी चीज़ें, टीयर गैस सारी चीज़ों का भी चेक करें वो प्रॉपर है कि नहीं वो करें, और इसकी एक मॉक ड्रिल भी करें कि किस तरीके से आप कानून व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर की विषम परिस्थितियों में क्या चीज़ पहन के जाना चाहिए। तो कई बार देखने में आता है कि एकदम पथराव कुछ कर देते हैं असामाजिक तत्व, तो दिक्कत आ जाती है क्योंकि पुलिस अगर पूरा वियर नहीं पहनती है प्रॉपर तो फिर उसको चोटें भी लगती हैं, घायल भी होते हैं, और फिर उन लोगों को बदमाशी करने का मौका भी ज़्यादा मिलता है, कई बार इस गुस्से में कई बार जरूरत से ज़्यादा बल फोर्स या फायरिंग की भी स्थिति बन जाती है। तो किन किन लोगों को शामिल किया गया था इसमें? सभी जिले के सभी थानों को एक तो ये बोला गया है कि सब बलवा सामग्री आज चेक करेंगे, पहनेंगे, उसका ड्रिल करवाएंगे और बलवा ड्रिल करवाएंगे। इसके अलावा हमारे जो मुख्यालय है इसमें पुलिस लाइन में शहर के जो तीनों थाना प्रभारी उनका बल, लाइन का बल, यातायात का बल, AJK का बल, सभी का बल को बुलाया गया था, और इन सबको भी पूरा जो हमारी बलवा के लिए जो ड्रिल है उसके हिसाब से एंटी रॉयड के जितने इक्विपमेंट है सारे पहन के उनके पहले बलवा ड्रिल कराई गई, उनको मॉक ड्रिल कराई गई, उनको समझाइश दी गई कि कानून व्यवस्था की स्थिति में कैसे निपटना है। कुछ लोगों के द्वारा इसमें अगर पत्थर फेंके जाएंगे तो उसको किस तरह से शील्ड और अपने जो सामान है उसके साथ में उसका सामना करना है वो भी करवाया गया, उसमें कई लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और उसके बाद एक पूरे शहर में जो खास हमारे क्षेत्र हैं उन पे एक ये पूरा वियर पहना के एक राउंड सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में करवाया गया ताकि उनको इसको पहनने में सहजता महसूस हो और कानून व्यवस्था की ड्यूटी में ये पहनने में और इसको इस्तेमाल करने में वो संकोच नहीं करें। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईपीएल क्रिकेट प्रारंभ होते ही सट्टा भी चालू हो जाता है। वहीं जब से आईपीएल क्रिकेट शुरू हुआ है नगर में सट्टा कारोबारी सक्रिय हो गए हैं, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस द्वारा आईपीएल सट्टा लगाने वाले दो व्यक्तियों को मौके पर ही धर दबोचा। शुक्रवार देर रात को शामगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट का सट्टा लगाते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को एक वीवो कंपनी के महंगे एंड्रॉइड मोबाइल सहित गिरफ्तार किया है। शामगढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट का सट्टा लगाते हुए दिनेश धबनिया और अनीश सोलंकी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर से कठोर सूचना आई, कच्चा रास्ता है, वहां पर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से आईपीएल के सट्टे का हिसाब मिला है। दिनेश पुरवार पिता गोधनलाल पुरवार तथा अनीश सोलंकी पिता मुखबिर सोलंकी निवासी शामगढ़। दोनों कब्जे 2870 रुपये नकदी बरामद हुई तथा दो एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुए। मोबाइल भी उनके सट्टे का हिसाब है, जिसमें कार्रवाई की गई है। सर कितने का हिसाब किताब मिला? लाखों का हिसाब मिला, 8-10 लाख के आसपास। कितने पैसे पकड़ा? नकदी पकड़ी 28। एमपी के जिले में महगांव अमायन थाना क्षेत्र में सिंगापुर गांव के रहने वाले योगेंद्र सिंह योगी अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए बारात लेकर अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर ही स्थित अमायन हेलीकॉप्टर से पहुंचे। योगेंद्र ने बारात जाने वाले दिन ही हेलीकॉप्टर बुलवाया, उसमें बैठकर वो बारात लेकर पहुंचे और फिर अगले दिन उसी हेलीकॉप्टर में दुल्हन की विदाई कराकर घर वापस हुए। पहली बार कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से हेलीकॉप्टर लेकर गांव में पहुंचा, ऐसे में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई देखने वालों की भीड़ देखते ही बनती है। भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के द्वारा बीजेपी कार्यालय में पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, तो वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष लता उनसेडी ने पूर्व सैनिकों को श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लता उनसेडी, जिले अध्यक्ष दीपेश अरोड़ा सहित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पार्टी 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एक सामाजिक न्याय पखवाड़ा चला रही थी, उसके अंतर्गत आज पूरे देश में 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसके अंतर्गत हम कोंडागांव जिले के सैनिक का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा सम्मान किया गया। इनके द्वारा जिले में किए जा रहे कार्य कर रहे सैनिक संघ के द्वारा आभारी रहेंगे, जो कोंडागांव जिले में अपना योगदान दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम पूरे सैनिक का भारतीय जनता पार्टी से परिवार द्वारा सम्मान, आज भारतीय जनता पार्टी कोंडागांव के द्वारा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव को सम्मान समारोह में आयोजित किया गया, जिसे हम सभी को बुलाकर सम्मान किया गया। और मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से इस सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से, मैं और मेरे पूरे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शुक्रिया अदा करते हैं। और हम मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कोंडागांव की आम जनता को कि हम उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे, हम आजीवन कोंडागांव का इस तरीके से सेवा करते रहेंगे। सम्मान किया गया पूर्व सैनिकों का, इस दौरान सम्मान किया गया। बीजेपी की ओर से पूर्व सैनिकों के सम्मान में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शॉल देकर सैनिकों का सम्मान किया गया। फिलहाल के लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।